ନା କିଛି ଧର୍ମ ଥାଏ, ଶିକ୍ଷାର ନା କିଛି ସମୟ ଥାଏ। ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରି ଗୋଟେ କୁନି ପିଲାଟି ତା ଛୋଟ ବେଳରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରଭି ବିଛେଇବ। ତେବେ ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳ ଖବରର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ସକାଳ ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମୁଁ ବି କଳାକାର। ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଦେବସ୍ମିତା। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପଟିଆସ୍ଥିତ ମଣି ତ୍ରିଭୁବନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣେ କୁନି ପ୍ରତିଭା ଅନିରୁଦ୍ଧ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ କିଭଳି ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍। अच्छा, तुम हमें पहले अपना इंट्रोडक्शन दो, क्या कर रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कौन सिखा रहे हैं, क्या क्या सीख चुके हो। मेरा नाम अनिरुद्ध अग्रवाल है, फ्यूचर पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ, फिफ्थ स्टैंडर्ड, 9 इयर्स का हूँ। मैं गिटार, हारमोनियम और थोड़ा थोड़ा तबला सीखता हूँ। अच्छा, कौन से सर आपसे सिखा रहे हैं ये सब? मुझे गिटार किशोर सर सिखाते हैं, हारमोनियम स्मिता मैम और तबला दिलू सर सिखाते हैं। ओके, जैसे कि हमें पता है आप 1 साल से म्यूजिक सीख रहे हो, गिटार बजाना सीख रहे हो, फ्यूचर में क्या करना है, मतलब कौन से मुकाम में जाना है, कुछ एम है? जी, मुझे प्लेबैक सिंगर बनना है। अच्छा अनिरुद्ध, आप जैसे 1 साल से सीख रहे हो, आपके गुरु जो सिखा रहे हैं आपको ये सब चीज़, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, वो आपको कैसे सिखाते हैं? मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे को इतने अच्छे गुरु मिले हैं मेरे म्यूजिकल फील्ड में, उनके वजह से मैं आज परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तबे आम सहित अच्छा अनिरुद्ध को गिटार सिखाऊ किशोर सर, तबे चालन तो तंको पचारि बुझिबा कौन रही एक्सपीरियंस, से किभली भाव में अनिरुद्ध को गीत सिखाऊ कि गिटार सिखाऊ, आसत पूरा एक्सपीरियंस विषय पचार। किशोर सर स्वागत करी सकाल खबर आमर फ्रेश एपिसोड को। नमस्कार। नमस्कार। आपण केते वर्ष हलानी अनिरुद्ध को गिटार सिखाउछ? अनिरुद्ध को शायद गोटे वर्ष हम जुलाई मास रे सिखाउ छी। से भी बहुत सुंदर भी कैच कर गीत जहाँ भी कह जाऊँ डेडिकेटली से शिखुची परिश्रम करुची सबकि करुची। आपण तो अनिरुद्ध आपणकर गोटे बोली शिष्य नथिबे, आपण बहुत सारा शिष्य को सिखाउथिबे गिटार होंतु, आपण केवल गिटार ही सिखांती ना अलगा किछ भी सिखाय? खाली मो गिटार ही सिखाय, खाली गिटार सिखाय। तबे आपण गोटे वर्ष लानी तांको गिटार सिखाउ चंती? अनिरुद्ध को आय, अनिरुद्ध को गोटे वर्ष ला सिखाउ। ओके, तो तांको भितरे कोन सब डेवलपमेंट देखि चंती किंबा से आगु को केमती बडु चंती, तांकर कैच करिवार पावर केते कोन अछि? हां, मु तांको जहां भी दिए जे कोन से लेसन दे से मन आराम से खुशी रे माने से कर दियंती, आ जे कोन से लेसन देली सेटा को नेक्स्ट क्लास पे से पूरा रेडी रहि जथि, एवं शिक्षा पे बहुत आग्रह बहुत इंटरेस्ट सहित से सब दिन सब ग्रहण करते। जमती आम जानते सब गुरु शिष्य को लेकिन गोटे स्पेशल एम्बिशन थाए जे मो शिष्य एमती है गुरु ठू टे आग को गले गोटे प्राउड मुमेंट हम मोप गोटे गर्वर मुहूर्त हम आपकी केत बाट देखी मानते सी जो गिटार शिखुची से गिटार फिल्ड से कैसे आगे जाइपर आप भाव सी जदि भी नेशनल लेवल कल परफर्म कै मु बहुत खुशी हे खाली अनिरुद्ध नुहे मो जिते स्टूडेंट्स मैंने अच्छा समस्त को कह समस्ते जब नेशनल लेवल प्ले करती परफर्म करती मुझ बहुत सैटिस्फेक्शन मत ही मिल।
सकाळ खबर रो मु भी कलाकार कार्यक्रम टी बहुत भल लागिला जो गोटे कि लुचि रही छोट छोट कुनी कुनी पिला प्रतिभा को लोकनचल को आणवा नुआ प्रयास बहुत भल जिनस तबे किशोर सर आम शुणीचु आप बहुत भल गीत भी गाँव गिटार भी बजाती तो आम कि गोटे गुणगुण दिंतु हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब उड़ा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी, एक तो मैं फिर तुम्हारी हंसी कम न थी, उस पे मेरा तराना गजब उड़ा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। आम सहित अनिरुद्ध का मम्मी पापा अच्छा केमिति तांकर छोटो बेलरु आज पर्यंत जर्नी रही से केमिति गिटार सिकुचंती केमिति तबला बजाउचंती तांकर मम्मी बाबांटु अधिक आउ के कहि परबेनी तो तांकर रिएक्शन नबा आसंतु। सर मैम स्वागत करते हैं सकाल खबर में आपको। जैसे कि हम सब पता है कि अनिरुद्ध एक साल से सीख रहा है, वो गिटार सीख रहा है, तबला सीख रहा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब आपका बच्चा है, आपको क्या लग रहा है वो कहाँ तक जाएगा? एक्चुअली जब वो बहुत छोटा था तो मेरे साथ सत्संग में जाया करता था, तो तब वो संगीत सुन के खुश होता था, नाचता था, गाता था, लेकिन तब मैंने ऐसे नहीं सोचा था कि वो म्यूज़िक में इतना आगे निकल सकता है। उसका जैसे उसने वोकल सीखना शुरू किया था कोविड से पहले, लेकिन कोविड के चलते उसका दो साल पूरा क्लास बंद रहा, तो एक साल से उसने जितना ग्रिप लिया है हमें भी आश्चर्य लगता है, और हमें लगता है कि सिर्फ ईश्वर की कृपा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी जो लगन है और उसके गुरुजनों का जितना आशीर्वाद है वो बहुत आगे जाएगा। तो सर मैं पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लग रहा है, आपके फैमिली में कोई गाना बजाना करता था, या फिर किन से वो एक्सपीरियंस वो लिया है, किन को वो आइडल मानता है, फिर वो शुरू किया है? उसकी मम्मी बहुत अच्छी सिंगर है, और बेसिकली जो आर्ट ऑफ लिविंग में सत्संग और उस सब में उसकी प्रेजेंस रही है उसी से उसको इंस्पिरेशन आया है, बट उसकी मम्मी उसके लिए एक बड़ी इंस्पिरेशन है, और उसके बाद जो टीचर्स उसको मिले हैं वो बहुत लकी है कि उसको वो सब हुआ है, और बेसिकली वो हर चीज़ एंजॉय करता है, तो जैसे वो बैडमिंटन भी खेलता है तो काफ़ी इंटरेस्ट लेके खेलता है, चेस खेलता है तो काफ़ी इंटरेस्ट लेके खेलता है, वो एक बच्चे की खासियत है कि वो जो करता है बड़े कीन इंटरेस्ट के साथ करता है। तो मैं पूछना चाहूँगी ये कि मतलब ज़्यादातर देखा गया है अगर कोई बच्चा ये परस्यू करता है गाना या फिर डांस वांस कुछ परस्यू करता है तो पेरेंट्स ज़्यादातर सपोर्ट नहीं करते, आपका पूरा सपोर्ट है उसके साथ? जी निश्चित रूप से, खासकर मेरे हस्बैंड का इस सब में बहुत बड़ा सपोर्ट हमें मिलता है कि उसको कुछ भी चीज़ का ज़रूरत है वो तुरंत उसे ला कर देंगे, या उसको मॉरल सपोर्ट की ज़रूरत है, कभी भी उसे लग रहा मुझसे नहीं होगा तो वो हम दोनों उसके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एक बच्चा सिर्फ एकेडमिक्स में करे वो काफ़ी नहीं है, उसके ब्रेन का और उसकी लाइफ का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, तो उसको एक्सपोजर देना पड़ेगा और आपको उसको मोटिवेशन देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली मेरे हस्बैंड को मैं इस जगह बहुत बड़ा क्रेडिट दूंगी। तो मतलब बचपन में कैसा था, अभी तो बचपन में ही है हम अगर सोचे तो, मतलब कैसा था, शरारती था या फिर कैसा था वो? नहीं वो शरारती भी है और इनोसेंट भी बहुत है, वो ऐसे बदमाश नहीं है कि किसी को हार्म करेगा, उसमें एक इनोसेंस भी बहुत है, लेकिन वो मस्त रहता है, वो ही उसकी लाइफ में खुश रहता है और यही हमें चाहिए। अच्छा। वो हर समय खुश रहता है, जो करे उसमें खुश रहना चाहिए, और वो रहता भी है, और दैट्स व्हाट वी वांट। तो आप क्या चाहते हैं, वो बड़ा हो के कोई मतलब गवर्नमेंट सर्विस करे, या फिर जो उसका एम्बिशन है वो करे, या फिर म्यूजिक को लेकर अच्छा लगता है, जो उसको अच्छा लगता है वो वही करे, उसका पूरा दिन वैसे ही स्पेंड होना चाहिए, जहाँ उसका मन लग रहा है, जो चीज़ों में उसको लगन है उसको वो परस्यू करेगा। देखिए लाइफ में सक्सेस किसको बोलते हैं, कि आप खुश रहना जानते हैं, अगर आप खुश नहीं हैं तो सिर्फ पैसा कमाने से सक्सेस नहीं आती है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है आज के टाइम में, कि इंसान को खुश रहना आना चाहिए, और वो तब होगा जब वो अपनी लाइफ को खुल के जिएगा, वो जो करना चाहता है वो कर पाएगा, तो निश्चित रूप से वो लाइफ में जो भी अपना करियर चूज़ करता है, चाहे वो म्यूज़िक हो या कुछ और, उसकी खुशी हमारे लिए मैटर करती है। तेबे आपण माने जदि को कुन्नी प्रतिभा मानंको जानिछंति तेबे सेमानंकर कला को विकसित करबा पई आमो सह जोगाजोग करंतु तळे दिया जैथिबा नंबर रे रहुछु। नमस्कार।